अब स्टार्ट करते हैं किसको, आपके प्रश्न वाली नंबर दो को। तो आ जाओ आप लोग कहाँ पर, पेज नंबर 75 पर, ठीक है। अपन भी बुक ओपन कर ले, मैं भी बुक ओपन कर लेता हूँ और आप लोग भी बुक ओपन करो। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का, देखो सबको तो बताना पॉसिबल नहीं है ना, हालांकि हम वन शॉट बोल रहे हैं, और मैं उन क्वेश्चंस को बताऊंगा जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको करना भी और भी है, जैसे कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, है ना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आप लोग बुक ओपन करके रखो, क्या बोला गया, जांचे कि क्या दिए गए समीकरण के मूल है अथवा नहीं, मतलब दिए गए मान जो है समीकरण के मूल है कि नहीं, वो हमें चेक करके बताना है। तो मैं पहला का एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ, आप लोग बाकी को करके देखना। जैसे कि हम लोग बात करें किसको भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं सेकंड को बताता हूँ। सेकंड थोड़ा सा ईजी है, अब बोलोगे यार ईजी को क्यों बताते, भैया ईजी को बताऊंगा तब तो आप हार्ड कर पाओगे, और मैं हार्ड को बताऊंगा तब तो डर जाओगे, तो मुझे डराना नहीं है आपको भाई, ठीक है। एक्स की घात 2-4x प्लस में 4=0 दिया हुआ है, और बोल रहे हैं कि x बराबर एक बार 2 रखना है और एक बार x बराबर -3 रखना है, वो मूल है कि नहीं करके चेक करना है। तो आप लोग को देखो सबसे पहले हमें क्या क्या रखने के लिए बोल रहे हैं, x बराबर एक बार 2 और एक बार x बराबर -3। तो हम बारी बारी से दोनों को रखते हुए चलते हैं। देखो सबसे पहला आपको करना क्या है, दो रखने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर मैं 2 रखता हूं तो देखो कैसा हो जाएगा, यहां पर x है तो x की जगह में कितना रखना है हमें 2, तो 2 की घात 2 माइनस 4 है तो 4, फिर से x है ना, तो x की जगह में 2 प्लस 4 है तो 4 बराबर में 0 है तो 0 कर ले है यहां तक। फिर आगे देखो 2 का 2 बार गुणा कर देना इस तरीके से, 2 गुणी 2 करके तो 2 दूनी कितना होता है 4, माइनस इसके अंदर गुणा करो 4 दूनी 8 और प्लस में 4 है तो 4 बराबर में 0। अब देखो समान चिन्ह को हमेशा जोड़ना है, ये प्लस में ये प्लस में, तो 8 माइनस में 8 हो जाएगा ये वाला 8 बराबर में 0। अब 8 में 8 जाएगा तो 0 बराबर 0। देखो यहां पर दोनों साइड 0 आ गया तब यह समीकरण का मूल है ना। क्या लिखोगे, यह समीकरण का मूल होगा, क्योंकि दोनों साइड 0 आया तब। अगर 0 नहीं आता है तो आपको लिखना है समीकरण का मूल नहीं है करके, क्लियर। अब देखो हम लोग अगला आपको करा के दिखा देता हूं पुनः। अब आपको किसके लिए चेक करना है, पुनः आपको चेक करना है भाई कि x बराबर जब -3 रखते तब मूल होते हैं कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे पुनः x बराबर -3 रखने पर करके, तो करते चलो भाई, रखते चलो, इसी में रखना है ना, इसी समीकरण में। एक सा है तो एक की जगह में -3 रखना है, तो -3 की घात 2, माइनस है तो -4, फिर -3 और प्लस 4 बराबर में 0। अब -3 का 2 बार गुणा करना है, तो कई बच्चे क्या करते हैं -9 लिखते हैं ना। आपको 2 बार जब गुणा करोगे ना इस तरीके से -3 और -3 का, तब देखो माइनस माइनस कर जाएगा और 3 तिया कितना होता है 9, तो आपको क्या याद रखना है यहां पर कितना होगा 9 हो जाएगा। माइनस इसका गुणा करो तो देखो बाहर में माइनस अंदर में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 प्लस में 4 बराबर में 0। अब देखो भाई सब में समान चिन्ह है ना, तो 12 4 16 हुआ, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, तो 25 बराबर 0 है। अब देखो एक साइड 0 है और एक साइड 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं आया, तो इसको लिखेंगे अतः यह समीकरण का मूल नहीं होगा करके। तो अब क्या करना है, बाकी पूरा प्रश्न वाली आपको, मतलब इस प्रश्न का बाकी क्वेश्चंस करके देखना और याद रखना। बोर्ड में हार्ड क्वेश्चंस नहीं देते, तो इसी तरीके से जैसे मैं दूसरा को बताया, तो आप लोग पहला कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो, तीनों क्वेश्चन एटलीस्ट पहला का पहला दूसरा तीसरा कर सकते हो। अभी तक इसकी बात करूं तो एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, बट पूछे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी वेरिएशन छोटा छोटा चेंजेस करते जा रहे हैं बोर्ड, हर साल कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन देते हैं, तो हो सकता है नया क्वेश्चन यही हो, इसलिए आप लोग इसको पढ़ के रखेंगे। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इस चैप्टर से जो कुछ भी आता है वो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न क्रमांक 2 जो है आता है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे और उसको मैं बताता भी उसी तरीका से हूं कि आप लोग का हर एक प्रश्न बन जाए, ठीक। देखो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, तो 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है। तो देखो दूसरा का मैं बता रहा हूं बच्चों आप लोगों को, पहला क्या दिया हुआ है, x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर में 0 दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखो, एक बार क्या करना है आपको, इस x माइनस 4 बराबर 0 लिख लेना है ऐसा, इस ब्रेकेट के बराबर एक बार 0 लिखो, और उखर बाद क्या करना है, x माइनस 2 बराबर भी आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। ब्रेकेट ओपन करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0, अब x का मान ज्ञात करना है इसलिए x को रोकोगे और इस माइनस 4 को जब भेज दोगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस
चार, इस तरीके से। माइनस चार का हमेशा पक्षांतर किस में होता है, प्लस में होता है। माइनस का प्लस में और प्लस का माइनस में, गुणा का भाग में और भाग का गुणा में होता है, ये याद रखेंगे। अब इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस दो बराबर जीरो, तो x बराबर कितना हो जाए, देखो माइनस दो को भेजेंगे तो प्लस दो हो जाए, तो यही क्या है आंसर है आपका। समीकरण के मूल कौन कौन सा होगा, चार और दो होगा, बहुत ईजी है ये। तो ये रहा पहला क्वेश्चन दूसरा का। अब मैं बता देता हूँ दूसरा का कौन सा भाई, अब जाहिर सी बात है दूसरा थोड़ा सा इससे हार्ड है, तो उसमें बच्चे डर जाते हैं, मैं जानता हूँ कि कैसे होगा, तो उसको बता देता हूँ। क्या दिया, दो एक्स प्लस तीन और तीन एक्स माइनस सात बराबर जीरो। तो भाई जो काम सिखा दिया हूं ना उसी को करो, तो फिर डेफिनेटली आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट बराबर लिख दो एक्स प्लस तीन के बराबर में जीरो, और एक बार लिखना है इस वाले ब्रैकेट मतलब 3x माइनस 7 बराबर में 0, कर लोगे। उसके बाद क्या काम किया था, अपन ब्रैकेट ओपन किए थे ना, तो यहां पर भी आप लोग ब्रैकेट ओपन करोगे 2x प्लस 3 बराबर में 0 लिख लोगे। अब देखो x का मान ज्ञात करना है ना, तो 2x को रोको और इस 3 को भेजो, प्लस 3 है, प्लस 3 है मतलब वो जाएगा किस में, माइनस तीन में, इस तरीके से। अब एक्स का मान ज्ञात करना है तो किसका कोई काम नहीं है भाई, दो का, तो दो को भी भेज दो, तो ये माइनस तीन बट्टा में दो हो जाएगा, ये होगा आपके एक्स का मान, अंडरस्टैंड। अब अपन को इस साइड को हल करना है, तो तीन एक्स माइनस सात बराबर जीरो होगा, तो सबसे पहले किसको भेजेंगे, सात को भेजेंगे, तो माइनस सात है तो वो प्लस सात बन के जाएगा इस तरीके से, ठीक। अब एक्स को रोक के किसको भेजेंगे, तीन को, तो वो नीचे में जाएगा, ऐसा वो जो चिपका हुआ रहता है ना वो हमेशा नीचे में जाता है, उन चीजों को बस कॉन्सेप्ट को समझते चलो, ये होता है मतलब होता है ऐसा, ठीक। तो ये रहा आपके दो क्वेश्चन। बात कर लेते प्रश्न क्रमांक तीसरा का, क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस सात की घात दो, तो उसको एक्स माइनस सात और एक्स माइनस सात ऐसा इसके जैसे, एक्स माइनस सात और एक्स माइनस सात दो बार लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा। चौथा में थोड़ा सा अलग है वो बता देते हैं, दूसरा का कौन सा बता रहा हूं भाई, चौथा को, ठीक है। तीसरा आपको दो बार लिख के बनाना है, क्या दिया हुआ है, एक्स की घात दो माइनस ग्यारह एक्स बराबर में जीरो दिया हुआ है। देखो बहुत आसान है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। देखो दोनों में से हम लोग क्या निकाल देंगे, x को बाहर निकाल देंगे। देखो यहां पर x कितना बार है, दो बार है ना, तो एक बार x को बाहर निकाल दिया तो अंदर में एक ठो x तो बाकी रहेगा ना भाई, माइनस है तो माइनस, 11x में से भी x बाहर निकल गया, तो यहां पर क्या बाकी रहेगा, 11 बराबर में 0। तो एक बार इस x बराबर 0 लिखेंगे और एक बार x माइनस 11 बराबर में 0 लिख देंगे, तो एक तो आंसर एक ठो 0 हो जाएगा पहला आंसर। दूसरा यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x माइनस 11 बराबर 0, तो x से बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 11 को जब अपन भेज देंगे तो क्या बन के जाएगा, प्लस 11। तो ये रहा दूसरा आंसर, इस तरीके से करना। क्या और कोई प्रश्न है जिसको बताने लायक है, 12 को भी आप दो बार लिख सकते हो x प्लस 12 पहला कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में भी x प्लस 12 लिखोगे तो आ जाएगा। और 11वां की सॉरी छठवां की बात करो, छठवां को तो यहां से दिया हुआ है, मतलब ऐसा एक बार x बराबर 0 लिखोगे और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 लिखोगे तो आंसर आ जाएगी आपकी, क्लियर है। तो इस तरीके से करना है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक दो, प्रश्न क्रमांक दूसरा को छोड़ सकते हो क्योंकि उसमें जस्ट जैसे पहला को बनाया वैसे ही बनेगा, बस छोड़ सकते हो, ठीक है। चौथा हाँ कुछ हद तक ये इंपॉर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स के लिए। इसके लास्ट प्रश्न की बात करूं, चौथा का लास्ट जो एक्स वाला है, एक्स प्लस 1 बटा में एक्स माइनस 1, ये प्रश्न 2024 में आ रखा है, मतलब 25 में जस्ट हमारा नहीं आने वाला, तो उसको भी छोड़ सकते हैं। बट इस चैप्टर की मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, ऑलरेडी इसको मैं चैप्टर नंबर 1 में सिखाया था, प्रश्न वाली एक की सॉरी अध्याय एक की प्रश्न वाली क्रम नंबर 3 में मैं बताया था मध्य पद को तोड़ने वाला, वो यही है, पुनर्जन्म होगा बोला था, तो हो गया भाई। आप लोगों को अब पढ़ लेना है अच्छे से। देखो हम चौथा प्रश्न का मैं एक दो ही बताऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 9x की घात 2 माइनस 3x माइनस 2 बराबर में 0 दिया हुआ है, ठीक है। उस चैप्टर में अच्छे से बता दिया हूं, इसलिए यहां पर हम लोग इसको, मैं जानता हूं कि आप लोग अगर रेगुलर हमारे स्टूडेंट हो तो आप लोग को जरूर समझ आ जाएगा। देखो यहां पर देखो आपको शुरू और लास्ट का गुणा करना है, 9 × 2 = 18 और बीच में कितना है 3, तो आपको दो नंबर ऐसे सोचना है, यहां पर ट्विस्ट आने वाली बात है, दो नंबर ऐसे आपको सोचना है कि भैया गुणा उस उन दोनों नंबर को गुणा करोगे तो 18 हो जाए और उसको जोड़ोगे या घटाओगे तो 3 हो जाए, ये मेन चीज है इसका पूरे मैथ्स की कॉन्सेप्ट, ठीक। तो हम लोग लेंगे 18 किसके किसके में आता है, 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18 होता है, 6 में 3 जाएगा तो हमारा 3 बाकी रहेगा, तो हम ऐसा ले सकते हैं इस तरीके से, 9x की घात 2 माइनस
मैं क्या लूंगा, 6x में किसको 3x, 6 × 3 = 18 होता है ना, और 6 में जब 3 कम करूंगा घटाऊंगा, देखो यहां पर माइनस है ना, अलग अलग चिन्ह लिया हूं इसीलिए, तो 6x में 3x जाएगा तभी तो 3x बाकी रहेगा। तो इस तरीके से हम दो नंबर ले लिए, और माइनस 2 है तो माइनस 2 बराबर में 0 है तो 0। उसके बाद इसको जोड़ी बना देना, ये एक जोड़ी बनेगा, ये एक जोड़ी बनेगा। अब यहां पर देखो कॉमन निकालना पड़ेगा, कॉमन कैसे निकालोगे, 9 और 6 क्या किसी एक ही पहाड़ा में आता है, हाँ आता है, अभी काखर 3 के में, तो 3 को बाहर निकालना है, और देखो दोनों साइड x है तो x बाहर निकल जाएगा कॉमन। अब देखो यहां पर अंदर में क्या क्या बाकी रहेगा, 9, 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है, 3 बार में, इसलिए 3 बाकी रहेगा। x 2 × x था तो 1x तो बाहर निकाला, तो 1 × x आपका बाकी रहेगा, तो x माइनस यहां पर देखो 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, इसलिए 2 बाकी रहेगा। और x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x तो ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, है ना, प्लस अब इसमें से क्या बाहर निकालेगी, सेम बाकी रहना चाहिए, ऑलरेडी वो उतना ही है तो उसको लिख, कुछ नहीं है, तो इसमें 3x माइनस 2 बराबर में 0 ऐसा करना है। अब देखो हम लोग 3x माइनस 2 को इस तरीके से एक बार लिख देंगे, अब दूसरा ब्रैकेट में इन दोनों ब्रैकेट के बाहर बाहर वाले को लिखते, इसके बाहर में 3x है और इसके बाहर में प्लस 1 है, और बराबर में आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है, सिंपल सा, क्लियर है। तो इतना चीजें आपको करते चलना है। अब देखो एक बार, जैसे कि पहले प्रश्न क्रमांक दूसरा में जो बताया था वैसा प्रश्न बन गया, एक बार हम लोग 3x माइनस 2 की बराबर में 0 लिखेंगे इस ब्रैकेट के बराबर में, और दूसरे बार में हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 1 की बराबर में 0। अब क्या करते थे अपन, ब्रैकेट ओपन करते थे, 3x माइनस 2 बराबर में 0, तो 3x बराबर में देखो माइनस 2 को उस साइड भेज देंगे तो वो बन के जाएगा प्लस 2। अब मुझे x का मान ज्ञात करने, इसलिए किसको भेजना पड़ेगा, 3 को भी, तो 2 के नीचे में जाएगा 3, क्योंकि चिपका हुआ है, मतलब वो नीचे में जाता है। 3x प्लस में 1 बराबर में 0। अब मुझे x का मान ज्ञात करना, इसलिए किसको भेजना पड़ेगा, प्लस 1 को, तो वो जाएगा भैया आपका माइनस 1 बन के। अब x का मान ज्ञात करना, जो चिपका हुआ रहता है वो कहां जाता है, नीचे में जाता है ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आपको बनाना है हर एक क्वेश्चन को। चलो एक आग दो क्वेश्चन और देख लेता हूं, मानता हूं कि ये ऐसे प्रश्न है, मैं अक्सर बच्चों को देखते रहता हूं, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा नंबर ले, कैसा ले, कॉमन निकालना, बहुत चीज इसमें दिक्कत होती है, बट आप लोग ध्यान से देखोगे ना, चीजों को समझोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मान के चलो हम लोग कोई सा भी, दूसरा तो एकदम सरल है, मैं ले लेता हूं तीसरा प्रश्न, ठीक है, तीसरा को ले लेता हूं। चलो तीसरा में क्या दिया हुआ है, 3x की घात 2 माइनस में 11x प्लस में 10 बराबर में 0 ऐसा दिया हुआ है। अब देखो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग कि क्या है करके, है ना, यहां पर देखो वैसे ही काम करेंगे जैसे कि इसमें क्या किए थे, शुरू का लास्ट के साथ गुणा किए थे, 9 × 2 = 18 हुआ था, तो इसमें 3 × 30 आया, तो गुणा करने से 10 लिख रहा था 30, और जोड़ने या घटाने से बीच में कितना नंबर है भाई, 11, है ना, तो दो नंबर ऐसे लो कि गुणा करने से 30 आ जाए, उन दोनों को ना 2 को लोगे तो, और जोड़ने या घटाने से 11 आ जाए, तो हम लोग ले रहे हैं देखो यहां पर 3x की घात 2 माइनस, यहां पर आप लोग लिखोगे इस तरीके से 6x माइनस 5x, 6 और 5, 6x, मतलब बीच वाले को तोड़ना रहता है, 11 को मैं दो भाग में तोड़ दिया 6x और 5x में, तो 6 × 5 = 30 होता है, 6 और 5 ही क्यों लिए, तो क्योंकि हम लोग, मैं आपको बताया हूं कि गुणा करने से 30 आना चाहिए, तो 6 × 5 = 30 होता है ना भाई, और जोड़ने या घटाने से 11, तो इसको देखो आपस में जोड़ देंगे 6x और 11x, क्योंकि समान चिन्ह लिया हूं इसलिए, है ना, 6x और 11x करूंगा, सॉरी 6x और 5x करूंगा तो 11x हो जाएगा, और प्लस 10 है तो 10 बराबर में 0। उसके बाद उसमें क्या किए थे, उस प्रश्न में जोड़ी बनाए थे, तो भैया इसमें भी जोड़ी बना दो, ये बन गया। अब देखो नंबर है तो क्या 3 और 6 किसी के पहाड़ा में आता है, तो हाँ किसके में, 3, तो 3 निकल जाएगा, दोनों साइड x है तो x बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बाकी रहेगा, x माइनस 2, 2 क्यों भाई, कि भाई 3 के पहाड़ा में 6 के बार में आते, 2 बार में आते तेखर से थी, और एक साल तो ऑलरेडी बाहर निकाल डरे हमन, है ना, माइनस है तो माइनस, यहां से हमेशा ऐसे, जब देखो सिर्फ इसके हिसाब से जितना इस ब्रैकेट में बाकी है उस ब्रैकेट में भी उतना ही बाकी रहना चाहिए, इसलिए यहां पर x बस का काम है, तो 5 को निकालना पड़ेगा, तो 5 को निकाल दो और x माइनस 2 लिख दो। अब माइनस 2 क्यों भाई, 5 के पहाड़ा में 10 के बार में आते, 2 बार में आते ना, 5 × 2 = 10, तेखर से 2 लिखे हैं, आगे समझ में, बराबर 0, और x में अब ब्रैकेट ब्रैकेट को लिख दिया, दोनों ब्रैकेट का एक कॉमन हुआ, अब आपको पता है, अब इसके बाहर बाहर का दूसरा में लिखते हैं 3x, और इसके बाहर में क्या है, माइनस 5 बराबर में 0, तो एक बार x माइनस 2 बराबर 0 लिखना है, और एक बार 3x माइनस 5 बराबर 0 लिखना है, तो यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 को भेजेंगे तो प्लस 2, ये भाई हुआ भैया आपका पहला आंसर। नेक्स्ट वन यहां का 3x को रोक करके माइनस 5 को भेजेंगे तो प्लस 5 जाएगा। अब x का मान ज्ञात करना है तो 5 के नीचे में कौन चला जाएगा, 3 चला जाएगा, तो ये दोनों इसके मूल होंगे,
मूल ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो इस तरीके से आपको हर एक प्रश्न को बना के देखना। अब बोलोगे कि बाकी प्रश्नों अगर नहीं बनेगा तो उसका क्या, तो भाई मैं आप लोगों को लिंक तो दूंगा ना। लिंक में क्या रहेगा कि आपका जितने भी प्रश्न है ना, मतलब हर एक प्रश्न को मैं उसमें कराया हूँ, चैप्टर जब प्रश्न वाले हिसाब से कराया हूँ उसमें। इस बार हमारा मकसद है कि हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर्स आपको कंप्लीट करा के दें, सिर्फ एक वीडियो में। इसलिए बहुत ध्यान से हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो आप लोग भी बहुत ध्यान से उतने ही मेहनत से करते चलिए, ठीक है।